Space Samant. आज हम ये ट्रांसपेरेंट पाउच देखेंगे कैसे बनाना है। इसके साइड में ये एक प्रेस बटन लगाया है और उसके अंदर ये दो पर्सेस, एक छोटी है और एक बड़ी है। आज हम ये ट्रांसपेरेंट पाउच कैसे बनाना है वो देखेंगे और इसके साथ में ये दो छोटी और एक बड़ी पर्स है उसका मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर इसका आपको मेकिंग वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उसका भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। आज का ये ट्रांसपेरेंट पाउच बनाने के लिए हमें 16 इंच बाय 10 इंच की एक ट्रांसपेरेंट शीट, उसकी हाइट 16 इंच है और विड्थ 10 इंच है, ये मैंने W और H लिखा है। 5.5 इंच बाय 3 इंच के दो शीट्स, इसकी हाइट 5.5 इंच है और विड्थ 3 इंच है। 13 इंच की एक जीपर, 2 इंच बाय 3 इंच का एक फैब्रिक पीस। इस तरह से हमें एक प्रेस बटन लेना है। ये कैसे लगाना है ये आपको मैं बता दूंगी। एक रनर और ये पाइपिन हमें लगाना है। ये पाइपिन के इस तरह से रोल आते हैं। ये 1.5 इंच का है और ये इससे थोड़ा बड़ा है, 1 इंच तक का। इसमें से हमें ये लेना है। साढ़े पाँच इंच बाय 3 इंच के ये दो ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं। ये 5.5 इंच है और उसकी विड्थ 3 इंच है। 3 इंच की साइड से हमें इस तरह से पाइपिंग कर लेना है दोनों पार्ट के ऊपर। दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग होने के बाद हमें एक पार्ट लेना है और उसका हम सेंटर मार्क करेंगे और ऊपर से हमें 1 इंच मार्क करना है। और ये मार्किंग के ऊपर हम प्रेस बटन जोड़ेंगे। ये कैसे जोड़ना है ये हम देखते हैं। अभी हम इसके ऊपर प्रेस बटन जोड़ेंगे ये मार्किंग के ऊपर। इसके लिए हमें ये फ्लोर पे ही लेना है। बटन की ये साइड हम जोड़ेंगे ये प्लास्टिक के ऊपर, ये साइड हम बाद में उसके अपोजिट साइड में जोड़ेंगे। ये है, ये आपको वही शॉप में मिलेगा जहाँ पर आपको बटन मिलेंगे और उसके साथ ये टूल्स भी आपको मिलेंगे। ये दोनों साइड से ये अलग अलग है और उसके लिए हमें ये हैमर भी एक लेना पड़ेगा। ये जो मार्क किया है ये मार्किंग के ऊपर हमें होल करना है और ये बैक साइड का पार्ट है ये हम ऐसे इंसर्ट करेंगे।
और उसके ऊपर हमें ये बटन वाला पार्ट जोड़ना है। ये बटन की बैक साइड है, ये हमें इसके अंदर डालना है और इसके ऊपर हम रखेंगे। और ये जो दो टूल्स है उसमें से हमें ये वाला पार्ट लेना है और इसके अंदर डालना है और उसके ऊपर हैमर से दो बार मारना है तो ये बटन फिट हो जाएगा। ये बटन जोड़ने के बाद उसकी अपोजिट साइड में हमें सेंटर मार्क करना है दोनों पार्ट के ऊपर। इसके बाद ये 16 इंच बाय 10 इंच का पार्ट है उसके ऊपर 16 इंच की साइड में हमें दोनों साइड से सेंटर मार्क करना है। ये इसका सेंटर मार्क और इसका सेंटर मार्क हमें जॉइन करना है। ये बटन बाहर की साइड में रहेगा। और इतना हमें स्पेस दोनों साइड से छोड़ना है 1/2 इंच तक का और ऐसे हमें सिलाई करना है। ऐसे हमें 1/4 इंच का मार्जिन लेके जोड़ना है। यहाँ पर हम टर्न करेंगे वैसे ही हमें दूसरी साइड जॉइन करना है। ये दोनों साइड से सेम डिस्टेंस होना चाहिए। वैसे हमें रखना है। ये साइड हमने जिस तरह से जॉइन की है उसी तरह से हमें ये दूसरा पार्ट जोड़ना है। ऐसे ही हमने ये दूसरा पार्ट जॉइन किया है। ये बटन की साइड हमें राइट में रखना है और बटन की साइड में हमें 1 इंच मार्क करना है दोनों साइड से। और ये 13 इंच की जिप हम उसके ऊपर जोड़ेंगे। ये बटन के अपोजिट साइड से हमें ये जिप जोड़ना है। जिप की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। वैसे हम जिप रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ऐसे हमें जोड़ना है। ये साइड से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ पर 1 इंच का जो मार्क किया था यहाँ तक हमें सिलाई करना है। इतना स्पेस हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमें ये दूसरी साइड जोड़ना है। ये बहुत बार प्लास्टिक के ऊपर मशीन नहीं चलती है तो हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है।
इस तरह से ये जिप अटैच हो गई, इतना स्पेस हमने छोड़ा है। और फिर ये साइड में हम जिप ओपन करेंगे और यहाँ से हमें पाइपिंग करना है। ये जिप पाइपिंग के अंदर जाएगी, देखो ऐसे हमें पाइपिंग जोड़ना है। वैसे ही हम दूसरी साइड में जोड़ेंगे, ये जिप हमें ऊपर करना है, जिप पाइपिंग में नहीं आनी चाहिए, वैसे हमें रखना है। वैसे हमारी ये दूसरी साइड की पाइपिंग हो गई, ये इतना स्पेस हमने छोड़ा है। यहाँ से हमें रनर डालना है, इसके बाद हम पाइपिंग लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा जिप छोड़ी थी वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से हम पाइपिंग जोड़ेंगे, देखो यहाँ से हमने ये पाइपिंग जोड़ना स्टार्ट किया। इस तरह से हमने ये पाइपिंग जॉइन की है। और इसके बाद हम यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ से 4 इंच मार्क करेंगे। फोर इंच हमें मार्क करना है और मार्किंग करने के बाद हम ये फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसके बाद हमें ये दूसरी साइड जोड़ना है, इस तरह से ये पाइपिंग के अंदर डालेंगे। 4 इंच का जो मार्क किया था वहाँ से हमें ये दूसरी साइड जोड़ना है। यहाँ हमें जिप की एंड तक पाइपिंग करना है। इस तरह से ये पाइपिंग हो गई। अभी हमें 2 इंच बाय 3 या 3.5 इंच का ये फैब्रिक का पीस लेना है। ऐसे हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। और इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों साइड से सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा हम कट करेंगे। और इसको टर्न करना है। ये टर्न करने के बाद इसके अंदर हमें ये डालना है। इससे पहले हम ये जिप एक लेवल पे करके लेंगे। ये जिप हमें पूरी अंदर नहीं डालनी है, सिलाई में आएगी उतनी ही हम जिप अंदर डालेंगे और उसके ऊपर सिलाई करेंगे। इतना स्पेस हमें छोड़ना है। देखो इतना स्पेस हमने छोड़ा है।
अभी हमें बटन की दूसरी साइड जोड़ना है। हम इसके ऊपर जोड़ेंगे, ये बटन की दूसरी साइड है। इसके लिए हमें ये फैब्रिक के ऊपर होल करना पड़ेगा और ये वाला जो प्लेन पार्ट है ये हम इस तरह से अंदर डालेंगे। उसके ऊपर हमें ये लगाना है। इसके ऊपर हम रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है हम इसके अंदर डालेंगे और ये हैमर से फिट करेंगे। तो बटन की दूसरी साइड जॉइंट हो गई और ये हमारी बैग कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।